महापौर सीताराम जायसवाल एवं नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने नगर निगम सभा कक्ष में मंगलवार को नामित पार्षदों को मोबाइल एवं सिम कार्ड उपलब्ध कराया। साथ ही सभी नामित पार्षदों को एक एक बैटरी चालित सैनिटाइजर मशीन एवं उसमें प्रयोग की जाने वाली सोडियम हाइपोक्लोराइड दवा उपलब्ध कराई। महापौर सीताराम जायसवाल ने नगर निगम कर्मचारी अधिकारियों की कोरोना से लड़ने के लिए किए गए प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि महानगर के सभी पार्षदों का पूर्ण सहयोग मिला, जिसका परिणाम रहा कि गोरखपुर के रहने वाले किसी भी व्यक्ति को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ, बल्कि बाहर से आने वाले व्यक्तियों में से कुछ लोग संक्रमित होकर आए, जिसके कारण गोरखपुर भी संक्रमण की सूची में दर्ज हो गया। महापौर ने सभी 10 नामित पार्षदों को 70 पार्षदों की कड़ी में जोड़ते हुए निर्देशित किया कि जनहित में आप भी अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे, जिससे महानगर वासियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। महापौर सीताराम जायसवाल ने सभी पार्षदों को कोरोना 19 संक्रमण से बचाने के लिए अपनी महती भूमिका प्रदान करें। महापौर ने कहा कि CUG नंबर एवं मोबाइल भी आप लोगों को दिया गया है कि जनता की समस्याओं को नगर निगम के अधिकारियों से साझा करके उसका निदान कराएं। इस अवसर पर उपसभापति अजय राय सहित सभी नामित पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा, ट्रेन के पीछे गार्ड नहीं रहता है, जो हरे झंडे देता तभी ट्रेन चलती है। एक पत्र लिखे वो मंत्री जी के दिशा निर्देशन में नियमता 10 पार्षद जुड़े हैं, जिसे मुख्यमंत्री जी ने नामित किया है। ये हमारे 70 परिवार में 10 और बढ़ गए हैं, और हमको नगर क्षेत्र में काम करने में इनका पूरा सहयोग मिलेगा। और हमें उम्मीद है कि जितने भी पार्षद हैं नामित किए गए हैं, इनका सभी का सामाजिक कार्यों से रिश्ता रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने नामित किया है। आज सभी पार्षदों को नगर निगम के तरफ से मोबाइल सुविधाएं दी गई है। मैंने कहा है कि आप अपने मोबाइल का प्रचार प्रसार अपनी जनता के अपने वार्ड की जनता में करें, और उनकी जो भी समस्याएं हो वो हमारे पदाधिकारियों को, नगर निगम के कर्मचारियों को अवगत कराएं और समाज सेवा जुड़ें। ये कोरोना का समय है, पूरा देश पीड़ित है। हमारे यहाँ जो कमेटियाँ पार्षदों की अध्यक्षता में बनी है कोरोना के नियंत्रण के लिए, उसका पूरा सहयोग करें। इसलिए इन्हें एक एक मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल और बैटरी चालित एक मशीन दी गई है, जिससे छिड़काव कराएंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे जितने भी पार्षद हैं बहुत अच्छे हैं और अच्छे ढंग से काम करेंगे, जनता की सेवा उपलब्ध कराएंगे। पार्षदों से निवेदन है कि बरसात का समय आ रहा है, जहाँ पर नालियाँ साफ नहीं हुई है, अधिकांश नाली बड़े नालों के हम लोगों ने सफाई कराया है, छोटी छोटी नालियाँ और कुछ बड़े नाले भी अभी सफाई से वंचित रह गए हैं, उसे भी सफाई हम लोग कराने जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या मेडिकल कॉलेज रोड पर है कि वहाँ नाली का स्तर ऊंचा है, लेवल ऊंचा है। हमने अपने अधिकारियों से कहा है कि जहाँ जहाँ पर वाटिक ब्लॉकिंग की संभावनाएं हैं वहाँ वहाँ पर पंपिंग सेट की व्यवस्था करें। 10 जगह चिन्हित किए गए हैं और 10 जगह पर हम लोग पंप सेट लगा करके बरसात के पानी को ड्रेन, बड़े नाले में ड्रेन करेंगे। यही हमारी योजना है और हम जनता के प्रति, हमारे सभी पार्षद समर्पित होकर ये बरसात में काम करेंगे। दो आधुनिक स्टेशन बन गए, एक इलाहीबाग और एक डोमिनगंज। इनकी क्षमता 10 गुना बढ़ाई गई है। समय से वो चालू हो जाएंगे और पानी कहीं नहीं लगेगा, ऐसी संभावना हमारे अधिक